अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कुक्सलिशियस चैनल। कुक्सलिशियस चैनल में हम आपको शामदीद कहते हैं। आज जो हम आपके साथ नई रेसिपी शेयर करेंगे वो थोड़ी सी हटके होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पे प्रेस करें और उसके बाद आप इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज आपके साथ जो नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो झटपट बनने वाली है। आपके घर मेहमान आने वाले हों, आपको तो कोई डिज़र्ट समझ ना आ रहा हो, कुछ चीज़ें लानी बड़ी मुश्किल हों और देर से बनने वाली हों, तो फिर आप पाइनएप्पल डिलाइट बनाइए। पाइनएप्पल डिलाइट झटपट बनने वाली है। आप फौरन बनाएं और उसको चिलर या फ्रिज में रख दें सेट करने के लिए। उसमें जो अजवाइन डालेंगे वो पाइनएप्पल 1 कप, पाइनएप्पल सिरप यानी जूस 1/4 कप, क्रश्ड बिस्किट्स 2 पार्टी रोल, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, व्हिपिंग क्रीम जो है वो 1 कप, शुगर कैरेमल जो आप शुगर जिस शुगर से कैरेमल बनेगा वो 1.5 कप होनी चाहिए। वॉलनट्स भी आपको क्रश करके रखने चाहिए, क्योंकि इसमें जब आप ये सारी चीज़ें वॉलनट्स और क्रश बिस्किट्स और ब्रेड क्रम्स का एक मिक्सचर आप बना के रखेंगे, क्योंकि ये जब आपका बना होगा तो एक बैलेंस होता है। जब आप ब्रेड क्रम्स का अलहदा और बिस्किट का अलहदा वॉलनट का अलहदा चूरा बना के उनको अलहदा अलहदा डालेंगे तो फिर वो उस तरह चंक्स नहीं आएंगे। इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले पैन को चूल्हे पर चढ़ाएं, चीनी को पैन में डालें और उसका कैरमल बनाना शुरू कर दें। दूसरी साइड पे आप ऐसा करें कि बटर पेपर लें, उसको ऑयलिंग कर लें, आप बटर लगाएं या ऑयल लगाएं। फिर जब वो कैरमल बन जाएगा तो आप उसके ऊपर फैला दें, वो ठंडा होके खुद बहुत ही वो प्रॉपर तरीके में हार्ड होना शुरू हो जाएगा। फिर आप उसको पीसेस में तोड़ लें। दूसरा जो है प्रोसेस मतलब डिज़र्ट बनाने का, वो ये है कि आप एक डीप सर्विंग डिश लें, उसमें वो जो आपने ब्रेड क्रम्स, क्रश बिस्किट्स और क्रश वॉलनट्स का एक मिक्सचर बनाया होगा उसको सेट करें। उसके ऊपर जो है आप पाइनएप्पल सिरप जो होगा उसको छिड़क लें उसको, ताकि वो सेट कर लें। फिर उसको प्रॉपर तरीके से सेट करने के बाद आप उसको ये करें कि आप व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर रखें, उसे सेट करने के बाद आप जो तीसरी लेयर होगी वो पाइनएप्पल को पीसेस में काटने के बाद आप वो डालेंगे। फिर आप दोबारा से वो व्हिपिंग क्रीम डालेंगे, व्हिपिंग क्रीम को सेट करने के बाद जो लास्ट लेयर होगी वो उसी तरह क्रश बिस्किट्स की होगी, वॉलनट्स की होगी, ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर की होगी। फिर उसके बाद आप फाइनल जो टॉपिंग होगी वो शुगर कैरेमल को डालने से पहले आप सारी साइडों पे क्रीम की लेयर बिछाएं, ऊपर से वो डालें सारा कुछ, और उसके बाद टॉप पे आप उसी तरह जो कैरेमल आपने बनाया होगा वो लगाएं, वॉलनट्स से छिड़के और ब्रेड पाइनएप्पल के चंक्स। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, इंजॉय करें इस डिज़र्ट को आने वाले मेहमानों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। आने वाले और दिनों में आपके साथ और नई रेसिपी शेयर करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।